ভারত সরকারের জলশক্তি মন্ত্রণালয় জল সংশোধন নদী বিকাশ গঙ্গা সংরক্ষণ বিভাগের পরিচালনায় স্বচ্ছতা পাক্ষিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো ফারাক্কা ব্যারেজ প্রজেক্ট এলাকায়। র্যালির মাধ্যমে প্লাস্টিক বর্জনের ডাক দেওয়া হয়। এদিন ফারাক্কা ব্যারেজের জিএম অফিস থেকে এই র্যালি শুরু হয়। ফারাক্কা ব্যারেজ কলোনির বিভিন্ন এলাকা ও বাজার পরিদর্শন করে আবার ফারাক্কা ব্যারেজের জিএম অফিসে শেষ হয়। আজকের এই কর্মসূচি অনুষ্ঠানে ফারাক্কা ব্যারেজের জেনারেল ম্যানেজার ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। এ বিষয় নিয়ে কি বক্তব্য তাদের, চলুন শুনে নি। ফারাক্কা থেকে শিবা সরকারের রিপোর্ট, এনটিভি ডব্লিউ। ভারত মে স্বচ্ছতা পখওয়াড়া হম সেলিব্রেট করতে হ্যাঁ, ও ইসি মে হমনে আজ শুরু কিয়া। हमने 15 दिन के लिए प्रोग्राम तैयार करके रखा हुआ। अभी आज पगले हमने वोट ले लिया सुबह 10 बजे के, उसी के बाद पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हमने पूरा को एक प्रोसेसन ऐसा जाके आया था। हमने उन लोगों का बैनर बनाया, फिर हमने कुछ दूसरा बैनर भी नो प्लास्टिक जोन ऐसा भी कुछ बैनर्स हमने बनाया। वो बैनर्स पूरा हर जगह में जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है वो जगह में पूरा हमने वो बांधा हुआ है। और भी तैयारी कर रहे हैं, वो भी हमने करने वाला। वो अलावा अभी बाकी दिन में हमने पूरा कुछ जगह हमने चूज किया, वो जगह में हम जाके पूरा वो क्लीन करने वाला। वो प्रोग्राम भी हमने तैयारी करके रखा हुआ, ये 15 दिन में हम करने वाला, जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पब्लिक। आज कहा? आज हमने इधर ही वोट हमारा जीएम ऑफिस में ही लिया था, पूरा लोगों को इकट्ठा करके फिर इधर से हमने शुरू किया। मेन हमने मार्केट में ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मार्केट में अंदर पूरा हमने लेके गया था। फिर मार्केट से थोड़ा सा कॉलोनी में जो लोग हमारा पब्लिक रहते हैं हमारा रेजिडेंशियल कॉलोनी में, उन लोगों का भी थोड़ा सा अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कुछ कॉलोनी में हमने कुछ स्ट्रीट को फुल कवर किया। कवर करके फिर इधर वो सब्जी मार्केट है, वो सब्जी मार्केट अंदर भी हमने आके फिर इधर अभी प्रोसेसिंग हमको कदम कर रहे हैं। सर डस्टबिन का? डस्टबिन है हमको थोड़ा सा और थोड़ा सा फैसिलिटी तो लैकिंग है। हमने थोड़ा सा कूड़ा का कलेक्ट करने के लिए भी हमने प्लान किया, फिर बाद में उसी को पूरा डीकम्पोज करने के लिए भी हमारा वो प्लान है। उसका एक जगह में वर्मी कम्पोज पिट भी हम बनाने के लिए कुछ प्लान है, वो पूरा अभी वेरी शॉर्टली हम बनाने के लिए कुछ हम प्लान करके रखा हुआ है, अभी शुरू करेंगे। हम जरूर सक्सेस करेंगे, ऐसा कुछ ये नहीं है सक्सेस कुछ नहीं होगा बोल के, कौन सा भी प्लान सक्सेस कर सकते हैं। बहुत जगह में बहुत बढ़िया वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं, लेकिन इधर थोड़ा सा कमी है, उसी को हमने पूरा ठीक ठाक करके जो सॉलिड वेस्ट डीकम्पोजबल मटेरियल है उसका पूरा डीकम्पोज करके हमने वो मैन्यूअर का यूज़ करने के लिए हमने प्लान करके रखा हुआ। ऑलरेडी वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट। बोर्ड रखा हुआ है नो प्लास्टिक जोन बोल के, थोड़ा बोर्ड रखा हुआ है, लेकिन इधर एक प्रॉब्लम है, थोड़ा सा अवेयरनेस कमी है पब्लिक के साथ। उन लोग किधर भी वो कूड़े के ऐसा फेंक के जाते हैं, हम रास्ते जाते जाते भी फेंक के देते हैं। हर क्वार्टर्स का बैक साइड में भी बहुत डिपॉजिट हो चुका है, उसका भी हमने वन टाइम क्लीनिंग करके फिर उसी के बाद हमने पूरा डस्टबिन लगाने वाला। वो डस्टबिन में उन लोग डिपॉजिट करेगा वेस्ट को, फिर उसको कलेक्ट करके हमने सेग्रीगेट करके डीकम्पोज करेगा हम। उन लोगों का कुछ तो, क्योंकि वो हर लोग जो आते हैं उन लोग कुछ ये कैरी बैग उन लोग खुद ही लेके आते हैं, तो फिर वो दुकान में कुछ प्लास्टिक बैग में भर के देने का सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन जब पब्लिक के हम वो नहीं लेके जाते हैं, फिर उस समय क्या करना, उन लोगों का बिजनेस का वजह से उन लोग कुछ प्लास्टिक बैग में उन लोगों का सामान को हम भर के देते हैं। So the awareness should be started from the public to carry the carry bag.